सर, जदयू में ही कई बार देखा जा रहा है कि इस बार मतभेद हो रहा है, फिर से एक बार मंत्री लेसी सिंह ने नोटिस भेज दिया युवा भारती को बान होने का। देखिए, मामला जिला का मामला है और हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा, कोई बात है तो मिल बैठ कर उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है। जितनी बात आ गई मीडिया में सार्वजनिक रूप से वह भी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब मामला का पट्टाक्षेप हो गया है, आपस में लोगों ने बात कर ली है, मामला का पट्टाक्षेप हो गया है। उनके बारे में तो हमने कहा है कि तो चैप्टर ही क्लोज हो गया है, पुराना सिलेबस है, पुराना सिलेबस का जवाब मांगेगा तो फिर हम वही उतनी ही बात कहेंगे कि पुराना सिलेबस का जवाब हम नहीं देते हैं, नया सिलेबस का जवाब मांगेगा। देखिए, निश्चित रूप से क्या कारण है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है व्यक्तिगत कारण कहा है, लेकिन उनके से बात करके क्या कारण है इसको जानना तो पड़ेगा। ये अभी तो प्रोसेस में है ना सारी चीज़ें, अंतिम रूप से कुछ तय तो हुआ नहीं है, प्रोसेस में है, बातचीत जारी है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, जब रिजल्ट फाइनल रूप में आ गया तब टिप्पणी ना। नहीं, देखिए, हमने कहा कि अब जो कुछ भी हुआ, दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ उसका भी तो पट्टाक्षेप हो ही गया है। बात तो लेसी सिंह जी ने भी अपनी बात कह दी है, तो बात अब समाप्त है, इसको आगे कोई तूल देने की जरूरत है। अभी तो उन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत कारण से, तो क्या कारण है हमारी कोई बात उनसे नहीं है। नहीं, 100% से ज्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ही नहीं, ठीक रहेगा, कोई कुछ भी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार रिमोट से चल रहे हैं, लालू यादव रिमोट से उनको चला रहे हैं। अरे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब उनकी जमीन खिसक रही है, जब क्षेत्र में जाते होंगे तो उनको लगता होगा कि अब इस बार चुनाव कैसे जीतेंगे, तो इस बात की चिंता है, फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्सा में है, तो इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। नीतीश कुमार जी कभी रिमोट कंट्रोल से न चले हैं, न आज चल रहे हैं, न आगे चलेंगे। हाँ, आपस में गठबंधन चलाना है तो एक दूसरे से मुलाकात बाद भारतीय जनता पार्टी के समय भी यह बात होती थी और आज भी यह बात होगी, इसमें किसी से मिलने में बात करने में कोई परहेज किस बात का है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जानी इज्जत गिरा रहे हैं। अरे, इसमें इज्जत रही नहीं रही का क्या, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है, आवश्यकता पड़ेगी जिनसे भी मिलने की तो नीतीश जी मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जब विपक्ष की एकता देश भर में स्थापित करने की कोशिश है तो इस कोशिश में जिससे भी बात करने की जरूरत होगी, जिससे भी मुलाकात की जरूरत होगी, स्वाभाविक रूप से यह काम करना पड़ेगा जो नीतीश जी कर रहे हैं और करेंगे आगे। कह रहे हैं कि बिहार के मस्जिदों की जाँच होनी चाहिए कि वहाँ पढ़ाई होता है कि क्या हो रहा है। इन लोगों को और तो कोई काम है नहीं, महंगाई के बारे में कोई जवाब देंगे नहीं, जनता का जो सवाल है बेरोजगारों के बारे में, कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम नौकरी देंगे, इस पर तो कुछ बात करेंगे नहीं, और अनर्गल बात जिससे विकास का काम प्रभावित हो, जनता का ध्यान बटे, जनता का मौलिक सवाल ओझल हो जाए, यही तो इन लोगों की कोशिश रहती है, लेकिन अब इनकी कोशिश जनता समझ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरीके से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की है तो बोले कि बैठक बैठक से कुछ होने वाले, भ्रष्टाचारी हुई सरकार है अपने जहाँ जहाँ उनका उनकी सरकार है वहाँ देखे ना, भारतीय जनता पार्टी का की सरकार तो कई राज्यों में है देश में, वहाँ क्या स्थिति है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हाँ हम यह नहीं कह रहे कि घटना हो ही नहीं रही है, घटना होती है, लेकिन घटना के बाद जो तत्परतापूर्वक कार्रवाई होती है, और बाकी कुछ घटना तो उस वक्त भी हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, तो घटना तो इस तरह की स्वाभाविक सी चीज़ है। सरकार कितनी तत्परतापूर्वक घटनाओं के घटित होने के बाद कार्रवाई करती है यह महत्वपूर्ण है, और इस पर नीतीश जी के नेतृत्व में प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कुमार रहेंगे, लालू जी से बात हो गई है, जबकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम इसके उम्मीदवार नहीं।
देखिए दूसरे दल के लोग या दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो तो अलग विषय है ना। हमारी पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, मीटिंग में प्रस्ताव लेकर कहा है कि विपक्ष की एकता में हम कोई शर्त इस रूप में नहीं रखेंगे कि अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो तभी हम एकता करें। हमारी प्राथमिकता है विपक्ष की एकता, और विपक्ष की एकता के बाद जो लोग भी उसमें शामिल होंगे लोग बैठकर तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। किसी दूसरे दल के किसी नेता के मन में या हमारी पार्टी के भी किसी नेता के मन में है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, होना चाहिए, तो यह उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पर भी कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति मन में रख रहा है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री हो तो उस व्यक्ति को पर हम लोग ऑब्जेक्शन थोड़े कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, पार्टी का जो ओवरऑल जो तय है पार्टी की